सब्सक्राइब करें एसएन टेक्निकल चैनल को और प्रेस करें इस बेल आइकॉन को ताकि आपको मिल सके वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले। हेलो फ्रेंड्स फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम समझने वाले हैं किसी भी सिंगल फेज मोटर में स्टार्टिंग कैपेसिटर की वैल्यू किस तरह सिलेक्ट की जाती है और आइडेंटिफाई किया जाता है इसमें हमें कितने कैपेसिटर कनेक्ट करना है। आज के वीडियो में हम प्रैक्टिकली कैलकुलेशंस करके समझने वाले हैं। इस कैलकुलेशन से हमें क्लियर हो जाए कितने भी वोल्टेज की सिंगल फेज मोटर हो उसमें हमें कितने कैपेसिटर कनेक्ट करना है। इस कैलकुलेशन से आप आसानी से आइडेंटिफाई कर सकते हैं, चाहे सिंगल फेज मोटर में सीलिंग फैन हो, कूलर मोटर हो या हमारी पंप मोटर हो, कोई भी मोटर हो, आप किसी भी मोटर में इस कैलकुलेशन से आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि इसमें हमें स्टार्टिंग कैपेसिटर कितने का कनेक्ट करना है। चलिए पहले हम एक एग्जांपल में देखते हैं। सीलिंग फैन में, सीलिंग फैन में जैसा कि हम जानते हैं 2.5 का कैपेसिटर लगता है, तो यहाँ पे वह वैल्यू आ रही है, हम कैलकुलेट करके देख लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल सीलिंग फैन हमारा कोई है 70 वॉट का, और सेवन जो सीलिंग फैन होता है वो 70 to 100 वॉट का होता है या 40 वॉट के भी होते हैं। फॉर एग्जाम्पल हम यहाँ पर ले रहे हैं 70 वॉट का हमारे पास कोई सीलिंग फैन है, और यदि हमारे घरों का वोल्टेज देखा जाए तो वहां पे फॉर सिंगल फेज में 220 होता है। आपके यहाँ पे जो आ रहा है आप वहां पे एज्यूम कर ले, जितना आ रहा है वो वैल्यू पुट कर दे, और हम सीलिंग फैन की इफिशियंसी ले सकते हैं, तो इफिशियंसी मिनिमम होती है इसकी 80%, 80 to 85% ले सकते हैं, बट यहाँ पर हम एज्यूम कर रहे हैं 80%। और हमारे घरों में जो फ्रीक्वेंसी होती है जो कि इंडिया में यूज होती है वो होती है 50 हर्ट्ज। तो चलिए यदि ये वैल्यू डाटा हमारे पास है तो इसमें कितने का कैपेसिटर हमें कनेक्ट करना है यह कैसे पता चलेगा। तो चलिए हम पहले कैलकुलेशन करके समझ लेते हैं। इसके लिए जो फॉर्मूला है पहले हम वो फॉर्मूला देख लेते हैं। तो चलिए कैपेसिटर इक्वल टू होगा हमारे पास जो पावर है, पावर जो कि होगी हमारे पास वॉट में, ध्यान रखें वॉट में हमें पावर को लेना है, पावर जो कि होगी वॉट में इनटू इफिशियंसी। इफिशियंसी कितनी है हमारी मोटर की, कोई भी सिंगल फेज मोटर उसकी इफिशियंसी काफी मायने रखती है। इसके बाद हमारा देखा जाए तो वोल्टेज जो हमारे घरों में आता है जो कि अप्रोक्स हम 220 एज्यूम कर रहे हैं, इसका स्क्वेयर लेना है, दैट मीन्स 2 बार 220 लेना है, 220 स्क्वेयर इंटू जो हमारे घरों में फ्रिक्वेंसी आ रही है हर्ट्ज में, फ्रीक्वेंसी को हमें हर्ट्ज में पुट करना है। तो चलिए यह तो हुआ, और आखिरी में हमें मल्टीप्लाई कर देना है इस फॉर्मूले में 1000 से, तो इसका जो भी आंसर आएगा उतने का कैपेसिटर हमें यहाँ पर सिंगल फेज मोटर में कनेक्ट करना होगा। चलिए पहले हम कैलकुलेशंस कर लेते हैं। तो चलिए कैलकुलेशन में आप कोई भी सिंगल फेज मोटर हो, वोल्टेज आपकी जो मोटर है उसके ऊपर दिया गया होगा, उस हिसाब से ही कैलकुलेशन करें। चलिए कैलकुलेशन कर लेते हैं। यहाँ पे हमने सीलिंग फैन कितने का लिया, 70 वॉट का, इनटू इफिशियंसी हमने ली है 80%, तो हम यहाँ पे 80 पुट कर सकते हैं, डिवाइड बाय 220 वोल्टेज स्क्वेयर है, 220 इंटू 220 इंटू फ्रीक्वेंसी कितनी आती है इंडिया में 50 हर्ट्ज, इंटू 1000 का हमें मल्टीप्लाई करना होगा इसमें। तो चलिए देख लेते हैं हम, 70 इंटू 80 इंटू 1000, तो ये हमारा आंसर आया इतना। इसे हम चलिए इसे हम लिख लेते हैं 5 6 7 5 टाइम 0। नीचे का हम कैलकुलेशन कर लेते हैं, 220 इंटू 220 इंटू 50, तो जो हमारा आंसर आएगा 242 4 टाइम 0। चलिए इसे हम कैलकुलेट कर लेते हैं। तो चलिए इसे हमने कैलकुलेट किया तो हमारा जो आंसर आया 2.314 अप्रोक्स ढाई के आया है। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, जो सीलिंग फैन होता है 70 वॉट का उसमें हम नॉर्मली ढाई का ही कैपेसिटर कनेक्ट करते हैं, 2.3 का तो मिलेगा नहीं, तो हम यहाँ पे 2.5 माइक्रो फेरेट का कैपेसिटर इसमें कनेक्ट करते हैं। चलिए अब हम एक ले लेते हैं, हमारी जो कूलर की मोटर होती है, सपोज कोई कूलर की मोटर है वो हम ले लेते हैं। चलिए कूलर की मोटर में हम क्या करते हैं, 4 माइक्रो फेरेट का कैपेसिटर हम कनेक्ट करते हैं, नॉर्मली किसी से भी हम पूछेंगे तो हमें 4 माइक्रो फेरेट कहेगा। चलिए कैलकुलेशन से वहां रहा है, पहले आइडेंटिफाई कर लेते हैं। तो हमारे जो कूलर की मोटर होती है वो 100 to 150 वॉट की होती है। चलिए वॉट कूलर में कितना होगा, पहले हम यह लिख लेते हैं, वॉट है पावर आएगी हमारे पास 110 वॉट हम ले लेते हैं, बाकी वोल्टेज इफिशियंसी फ्रिक्वेंसी सभी सेम रहेगी। चलिए इस फॉर्मूले में हम वैल्यू पुट कर देते हैं, पावर इंटू इफिशियंसी वोल्टेज स्क्वेयर इंटू हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी
इंटू 1000। चलिए इस फॉर्मूले में वैल्यू पुट करते हैं। पावर है हमारे पास 110, इफिशियंसी हमने ली है 80%, वोल्टेज है 220 इंटू 220 इंटू फ्रीक्वेंसी है 50, और 1000 का हमें यहाँ पे मल्टीप्लाई करना है। तो चलिए ऊपर का हमने मल्टीप्लाई करके रखा है तो वो आया 88 and 5 times 0, और नीचे का तो सेम ही रहेगा 220 220 into 50, तो ये तो यही रहेगा 242 and 4 times 0। चलिए इसे हम सॉल्व कर लेते हैं, 242 4 times 0, तो जो कि हमारा वह आया है हमारे पास 3.6363 एंड ये कंटिन्यू रहेगा। तो जो 110 वॉट की जो भी मोटर होगी, कूलर की हो चाहे कोई भी सिंगल फेज मोटर हो, तो हमें इतने का कैपेसिटर कनेक्ट करना होता है। नॉर्मली इतने का अवेलेबल नहीं होता है, इसलिए हम 4 माइक्रोफेरेट का कैपेसिटर कनेक्ट करते हैं। तो इस तरह आप कोई भी सिंगल फेज मोटर में स्टार्टिंग कैपेसिटर की वैल्यू आइडेंटिफाई कर सकते हैं इजिली। तो फ्रेंड्स, आई होप आपको हमारा यह वीडियो अच्छा लगा हो। वीडियो कैसा लगा कमेंट्स में जरूर बताएं, और इस वीडियो और टॉपिक से रिलेटेड आपको जो भी डाउट्स हो उसे कमेंट्स में जरूर पूछें, हम पूरी कोशिश करेंगे उसका जवाब दे सके। तो फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। थैंक्स फ्रेंड्स।